मैं हर हर मोदी घर घर मोदी में पूरे परिवार सहित रहा हूँ। इस बार व्यक्तिगत में जो है मेरी मानसिकता अलग हो गई है। जो सही उम्मीदवार इन्होंने तो कुछ कराई नहीं है, सिर्फ खोखले वादे कर रहे हैं। हम ये रोजगार देंगे, लोगों को रोजगार छीन लिए। गैस दे दिया, 1000 रुपए कर दिया तुमने। गैस देखे क्या होता कहीं 1000 रुपए कहाँ देंगे? देखिए मजदूर हमारे साथ हैं, आप लोग हमारे साथ हैं। माहौल क्या है भैया? माहौल तो बदला हुआ भैया, बिल्कुल बदला हुआ है। बदलाव चाहते हैं? हाँ बदलाव चाहते हैं, बदला देते हैं। अखिलेश भैया आएंगे प्यार? अखिलेश भैया आएंगे। क्यों आएंगे? बाइक भाजपा ने काम किया है ईमानदारी से। क्या काम किया? थोड़ा रोड बनवाए हैं, फ्लाईओवर बनवाए हैं, मेट्रो चलवा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव और इस समय गाजियाबाद विधानसभा सीट पर है, जहाँ पर हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहा है। तो इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और गाजियाबाद से कौन जीत रहा है, गाजियाबाद शहर सीट से कौन जीत रहा है, ये जानने से काम धंधा चल रहा है? काम धंधा तो बहुत हल्का है। हल्का है की मार है कुछ? हाँ। वैसे भी हल्का है। तो इस बार किसकी ओर जा रहे हैं आप? हवा तो इस बार दोनों तरफ से बढ़िया है, दोनों तरफ। गाजियाबाद सीट पे किसकी टक्कर है? टक्कर दोनों बराबर तरफ से। कौन दोनों? बीजेपी है और कांग्रेस है। बीजेपी कांग्रेस जी, हमारे यहाँ से तो यही है। अच्छा, तो आप किसकी साइड जा रहे हैं? ये तो समय की बात है, जैसे हवा चलेगी। हाँ। हवा के साथ तो और लोग भी हैं हमारे साथ, उनके साथ। क्या नाम है आप? राजकुमार शर्मा है सर मेरा नाम। राजकुमार शर्मा जी, राजकुमार जी आप किसके साथ जाना चाहते हैं? सर मैं तो कांग्रेस में दूंगा सर। कांग्रेस में? जी सर कांग्रेस का हूँ, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं और स्वास्थ्य राज्य मंत्री है, उन्होंने जी हाँ जी हाँ उन्होंने कोरोना काल में किसी भी कॉलोनी में किसी में इतना वो नहीं उत्सुकता दिखाई जो कि कोरोना काल में होनी चाहिए। तो इस वजह से अच्छा, ये पार्टी शुरू से कांग्रेस पार्टी जो है पुरानी पार्टी है सर, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम होती नहीं, आराम से सबको लेके चलते हैं, सबका विकास करते हैं, और पहले से ही इन्होंने विकास किया है। अब दंगा या सपा है या बसपा है, ये जाति और धर्म की इसकी के आधार पे वोट देते हैं, और ये केवल विकास के और सब धर्म को लेके चलती है, धर्म निरपेक्ष। और अंकल जी उनसे हम बात कर लेते हैं, आप किसके साथ जा रहे हैं इस बार? जी हम तो इस टाइम यहाँ से जो सही उम्मीदवार हो, जो सही उम्मीदवार हो जनता के। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम बालकिशन है। जो सही उम्मीदवार हो इन्होंने तो कुछ कराई नहीं है, सिर्फ खोखले वादे कर रहे हैं। हम ये रोजगार देंगे लोगों को, और रोजगार छीन लिए, जबकि इनके घोषणा पत्र में 14 में था कि हम अगर सत्ता में आए तो 2 करोड़ लोगों को सालाना रोजगार देंगे। तो इस हिसाब से 14 करोड़ होर्डिंग्स बैनर में लगे हैं ना कि हमने 4 लाख से ज्यादा नौकरियां दे दी है। सुनो तो उसे पहले 15 करोड़, इस हिसाब से मोदी की सरकार रही है जब से 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए, जबकि हकीकत यह है कि 15 करोड़ और बेरोजगार हो गए। अच्छा। लोगों को बेरोजगार कर दिया इन्होंने, सारे फैक्ट्रियों में सब बाहर निकाल कर सब बाहर कर दिए, सबका निजीकरण कर रहे हैं, और सारी इन्होंने जितना भी है सारा का सारा सरकारी डिपार्टमेंट से सबको निजीकरण कर रहे हैं। तो वहाँ सब बाहर ये कह रहे ना कि निजीकरण से जो है वो नौकरियाँ कहाँ से बनेंगी? अब ये अगर ये 4 लाख नौकरी 15 करोड़ों को 4 लाख दे भी रहे तो 15 करोड़ में क्या फायदा हो रहा है उसका? किसको मिल गई नौकरी यहाँ पे? सिर्फ कागजों में नौकरी है। और कुछ लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है? नहीं नहीं और तो आप भी देंगे ना, बताइए बताइए। देखो जी चलो एक युवा साथी उनसे हम जान लेते हैं कि वो किसके साथ जा रहे हैं। आप किसके साथ जा रहे हैं? भाई मैं माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जा रहा हूँ। अखिलेश यादव जी के साथ जी? थोड़ा ऐसे आ जाइए क्योंकि इधर कांग्रेस का कार्यालय लग रहा है। कोई बात नहीं है। किसके साथ जा रहे हैं? युवा है, देश की सारी समस्या का समाधान करने वाला अकेला व्यक्ति है। मैं अब तक बीजेपी का साथ देता रहा, लेकिन देखिए बीजेपी से नाराजगी क्यों? बेरोजगारी चरम सीमा पे है, स्वरोजगार होर्डिंग्स बैनर आपने देखे हैं, 4 लाख से ज्यादा नौकरियां देने की बात खूब भाई साहब एक चीज मैं बता दो खाली आप। आज की जमीनी हकीकत, जो आदमी बहुत मेंटली स्ट्रांग नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, वो स्वरोजगार कैसे करेगा जिसके पास पैसा नहीं है? उसको चाहिए रोजगार ना। आप बताओ ना कोई ऐसी इंडस्ट्री खोलो यूपी में जिसमें आम आदमी को रोजगार मिले, 10,000, 12,000, 15,000। बेहतर कानून व्यवस्था का दावा है? अरे कानून व्यवस्था तो कहीं कुछ नहीं है, किसी की सरकार में नहीं है। हाँ। ये तो खाली कहने की बात है, आम जनता ही कानून है, ढंग से काम करेगा ढंग से रहेगा। हाँ। कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गलत तब होता है जब आप गलत करते हैं। फ्री में राशन मिल रहा है आप नाराज हैं? फ्री में राशन किसको मिल रहा है? उसको मिल रहा है जिसको मिल रहा है। गैस सिलेंडर? अरे कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, सब खालियां है, सब कोसलेबाजी है। गैस दे दिया, 1000 रुपए कर दिया तुमने। गैस देखे क्या होता कहीं? 1000 रुपए कहाँ देंगे? देखिए मजदूर हमारे साथ हैं, आप लोग हमारे बिल्कुल साथ हैं। हम किसी नेता की बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं। जनता को क्या चाहिए उत्तर प्रदेश में? जगह थोड़ा थोड़ा जगह। जनता को चाहिए कि जनता को ये चाहिए कि उसको समय से रोजगार मिले, अपने बच्चे परिवार पाल सके,
दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। अच्छा ये भी बीजेपी वालों का दावा ये अखिलेश राज भाई, मैं हर हर मोदी घर घर मोदी में पूरे परिवार सहित रहा हूँ। अच्छा। इस बार व्यक्तिगत में जो है मेरी मानसिकता अलग हो गई है। अच्छा। मैं आज भी भाजपा की का पक्षधर हूँ। अच्छा। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए नहीं दे रहा अखिलेश जी को वोट, सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए दे रहा हूँ। हो सकता है परिवर्तन आए, लोग रोजगार करें, रोजगार हो, लोग समझे कि रोजगार हर आदमी को मिले, किसी को भूखो ना मरना पड़े। किससे जिता रहे हैं यहाँ गाजियाबाद से? देखिए व्यक्ति विशेष के हिसाब से देखा जाए तो मैं अखिलेश जी के साथ हूँ। अच्छा। मेरा वोट यहाँ पे है ही नहीं है। हाँ। मेरा वोट सोनभद्र में है, मैं सोनभद्र। ये सोनभद्र के हैं, ये सपा में जाना, इन्हें बीजेपी सपा में नहीं जाना है, अखिलेश जी को वोट देना है, सपा में नहीं जाना। सपा प्रमुख है, वो प्रमुख हो, भाजपा प्रमुख हो, सपा प्रमुख हो, अखिलेश इन्हें पसंद है और उनका काम पसंद है। वोट देनी है खाली बस अखिलेश को, अखिलेश वोट देनी है खाली। अच्छा। इनका कहना है वोट देनी है खाली, जाना नहीं है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाकिर है जी। शाकिर जी आप किसके साथ जा रहे हैं? मैं इस टाइम सुशांत भैया के साथ हूँ। अच्छा, गाजियाबाद से कांग्रेस के साथ जा रहे हैं? हाँ जी। कांग्रेस के साथ क्यों जा रहे हैं? कहता है सुशांत भैया जो है हमारे करीबी हैं। हाँ। लोग बागों में बैठते भी हैं, मिलते जुलते भी हैं। हाँ। तो उनकी आदत की भी पता है कैसी है उनकी। कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, एक और हैं ताऊ, उनसे हम बात करना चाहते हैं। एक और ताऊ, ताऊ माहौल क्या है भैया? माहौल तो बदला हुआ है भैया, बिल्कुल बदला हुआ है। बदलाव चाहते हैं? हाँ बदलाव चाहते हैं। बदलाव क्यों? बदलाव इसलिए कि भैया सिलेंडर 900 रुपए हो गया है, बच्चों की शिक्षा कहाँ जा रही है, है भैया। सिलेंडर 900 रुपए में हो गया, लेकिन दावत ये है ना कि फ्री में राशन पट रहा है, फ्री में सिलेंडर। भैया फ्री का बोझ किस पे पड़ेगा, टैक्स किस पे पड़ेगा? पब्लिक पे पड़ेगा, पब्लिक कहाँ जाएगी फिर? फ्री के तो कुछ भी बांट दो, जनता को फ्री खाने की आदत पड़ रही है, बताइए ना, फ्री खाने की आदत है। बर्डन किस पे पड़ेगा? हम लोगों पे पड़ेगा। होर्डिंग्स बैनर नहीं देखते, 4 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का दावा। अभी कहीं भी नौकरी कहीं किसी को ना मिली। हाँ। बताओ बच्चे बेरोजगार है, अब वही बच्चे कह रहे हैं कि जो जो हमें रोजगार देगा हम उसी को वोट करेंगे, बताइए। तो किसके साथ जा रहे हैं? हैं? किसके साथ? हम तो भैया कांग्रेसी हैं पक्के, 4 दफे कांग्रेस से कभी नगर लड़े हैं चुनाव, हम तो पक्के कांग्रेसी हैं भैया। कांग्रेस के साथ जा रहे हैं? हम तो कांग्रेस में ही हैं, बदल जा नहीं रहे। अच्छा। देखिए हम तो पक्के कांग्रेसी हैं, हम बदलने वाले ना भैया। क्या लगता है कांग्रेस आने के बाद क्या बदल जाएगा? देखिए भैया बदलेगा जो अब बदलाव, जब पब्लिक चाहेगी तो बदल जाएगा सब कुछ भैया। कौन है यहाँ प्रत्याशी? कौन है यहाँ पर? सुशांत गोयल है। सुशांत गोयल? हाँ जी, हमारे यहाँ भूजेंद्र यादव है। तो अतुल गर्ग जी का काम अच्छा नहीं लगा? ना अतुल गर्ग, सुन तो लो, अतुल गर्ग जी ने जब पूछते ना, जब कोविड हुआ था, जब बताते ना उन्होंने क्या करा था, घर में से तो निकला चला जाता नहीं है उन पर, वो क्या करेंगे उनका तो पहली फैमिली। वोट देते हो कि नहीं? वोट देते हैं, वोट देते हैं। अखिलेश को, अखिलेश भैया आएंगे अब यार? अखिलेश भैया, अखिलेश भैया ही आएंगे। क्यों आएंगे? आएंगे अब तो, और कुछ और महंगाई हो रही है। तो और लोगों से हम बात करेंगे, किसके साथ जा रहे हैं? मैं, हमारे तो ये गांव में मकनपुर में ये अखिलेश जी और वो है। अच्छा, तो ये सारी बातें हैं। एक ताऊ, आपसे बात हो गई क्या? हमारे तो हो गई है, एक और है उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित चौधरी है। अच्छा, तो चौधरी जी किसके साथ जा रहे हैं? हम तो भाजपा के साथ। भाजपा के साथ? भाजपा के साथ क्यों? भाजपा ने काम किया है ईमानदारी से। बिल्कुल। क्या काम किया? थोड़ा दर्शकों को रोड बनवाए हैं, फ्लाईओवर बनवाए हैं, मेट्रो चलवा रही है। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ सरकार किसी के बनी है, पर भाईचारा तो बना रहना चाहिए। नहीं, भाईचारा बना रहेगा, अभी हम खा लेंगे, आप कहने बात कर ले थोड़ा। गरीबों को मकान दिए हैं, गैस दी है, और क्या चाहिए गरीब आदमी? क्यों पूरा हुआ? अच्छा, तो अच्छा ये कहते हैं कि जनता जो है महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हो गई है। महंगाई है, बेरोजगारी तो पहले भी ही राज भी है। अच्छा, अब तो ज्यादा हो गई है ना पहले के मुकाबले, फिर भी ठीक है देखा जाए। आप क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अच्छा, और जो गाजियाबाद में विकास की बात कर रहे हैं, गाजियाबाद में विकास अखिलेश का करा हुआ सब, कोई विकास नहीं करा इस सरकार में। मेरी बात सुनो, ये गाजियाबाद में एलिवेटर फ्लाईओवर बना था, ये सब उनके पास करे हुए हैं। गाजियाबाद में मुझे बताइए ना एक भी हॉस्पिटल बना हो या कोई विकास नहीं हुआ, जबकि बीजेपी का दावा विकास काफी हुआ, खूब हुआ विकास, काफी रोड हाईवे बने हैं, हर गरीब आदमी खुल सके ना, मतलब ये लॉकडाउन। तो अलग अलग प्रतिक्रिया है, कोई कांग्रेस के साथ जाना चाहता है, तो कोई सपा के साथ, तो कोई बीजेपी के साथ, लेकिन आप किसके साथ जा रहे हैं कमेंट करके जरूर।